जब से इंसान इस दुनिया में आया है उसने हमेशा से जो कुछ भी हासिल किया है वो सब अपनी ताकत के बलबूते पर हासिल किया है। बात चाहे पॉलिटिक्स की हो या फिर सोशल मैटर्स की, आपने खुद देखा होगा हमेशा उन लोगों को ज़्यादा इज्जत दी जाती है जिनके पास ताकत होती है। लेकिन ताकत के ऐसे कौन से लॉज या रूल्स हैं जो उन्हें दूसरे लोगों से अलग और ज़्यादा वैल्यूएबल इंसान बनाते हैं? आज के इस वीडियो में हम पावर के चार ऐसे लॉज के बारे में जानेंगे जो आपको एक वैल्यूएबल इंसान बनाते हैं। तो बिना किसी देर के हम बात करते हैं पहले लॉ की, और हमारा लॉ नंबर 1 कहता है कंसील योर इंटेंशंस। ताकत का सबसे पहला उसूल यह है कि हमेशा अपने इरादों को छुपाए रखो, अपने इरादों की भनक तक किसी को ना लगने दो, हमेशा लोगों को अंधेरे में रखो। क्योंकि अगर आप अपने इरादे और प्लान्स हर इंसान को बताते फिरेंगे तो मुमकिन है कि कल को कोई इंसान आपका ही दुश्मन बन जाए और आपके ही प्लान्स को आपके ही खिलाफ यूज करे और आपको वहां तक ना पहुंचने दे जहां आपने सोचा हुआ है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने इरादे अपने दोस्तों को बताओ और कल को आप उस काम को कंप्लीट ना कर पाओ तो आपके दोस्त और आपके साथ वाले आपका मजाक उड़ाए कि इस इंसान के ख्वाब तो बहुत बड़े बड़े थे मगर उन ख्वाबों को सच करने की ताकत नहीं थी। ये बातें आपको उस वक्त वहां खड़े हर इंसान की नजर में एक कम वैल्यू वाला इंसान बनाएगी, जिसके नतीजे में ना लोग आपसे सही तरीके से बात करेंगे और ना ही आपसे ठीक तरीके से मिलेंगे, क्योंकि आपको वो एक ऐसा नाकाम इंसान समझेंगे जिसके अंदर कुछ करने की ताकत ही नहीं है। अगर आप एक रिस्पेक्टफुल और वैल्यूएबल इंसान बनना चाहते हो तो इस लॉ को आपको सबसे पहले अपनाना होगा और अपने इरादों को सिर्फ और सिर्फ अपने आप तक ही रखना होगा। हमारा सेकंड लॉ ये कहता है कि रिक्रिएट योरसेल्फ, यानी अपने आप को दोबारा बनाओ, अपनी एक अलग और यूनिक पहचान बनाओ। ऐसी पहचान को कभी भी किसी भी कीमत पर कबूल मत करो जो सोसाइटी आपको देना चाहती है, बल्कि खुद को ऐसा बनाओ जैसा खुद आप अपने आप को देखना चाहते हो। जैसे कि लोहे की पहले तो कोई शक्ल नहीं होती, लेकिन जब उसे आग पर गर्म करके पिघलाया जाता है तब उसे ऐसी शेप्स में ढाला जाता है जो किसी काम आ सके। बिल्कुल लोहे की तरह अपनी पहचान को दोबारा बनाओ, पहले खुद को मुश्किलात से बुरे हालात से पिघलने दो और बाद में अपने आप को एक नया रंग और एक नई पहचान दो। खुद को एक ऐसे इंसान के तौर पर पेश करो जो अपनी इज्जत करता हो, जिसकी अपनी नज़र में अपने लिए इज्जत हो। आपने वो मिसाल तो ज़रूर सुनी होगी कि लोग उसी की इज्जत करते हैं जो अपनी इज्जत आप करता है। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि अगर कोई इंसान पहले बहुत गरीब हो, जिसके पास ना खाने को कुछ हो, ना पीने को और ना ही पहनने को, लेकिन वो एक बड़े ख्वाब का मालिक हो, उसके अंदर एक हाईली सक्सेसफुल इंसान बनने की ख्वाहिश हो और एक दिन वो हाईली सक्सेसफुल इंसान बन भी जाए, और दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स हो जिसकी दौलत नस्लों से चल रही हो, जो खानदानी अमीर हो, तो लोग ज़्यादा इज्जत उसी की करेंगे जिसने अपनी पहचान खुद बनाई, अपने आप को एक कामयाब इंसान बनाया और लोगों को इस बात पर मजबूर किया कि लोग उसकी इज्जत करें। इसलिए ज़रूरी है कि हमेशा दूसरों के बनाए गए रास्तों पर मत चलो, बल्कि अपना रास्ता खुद बनाओ और अपनी एक अलग पहचान बनाओ। अब हम बात करते हैं थर्ड लॉ की, और हमारा थर्ड लॉ कहता है कि मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। आपके अंदर ख्वाहिश है कि लोग मेरी इज्जत करें, लेकिन अगर आपको अपने वक्त को ही कीमती बनाना नहीं आता तो ये ख्वाहिश ख्वाहिश ही रहेगी। इसलिए कि जिस इंसान को अपने वक्त की ही वैल्यू नहीं होगी तो लोग भला कैसे उसकी वैल्यू करेंगे? अगर आप अपना सारा वक्त लोगों के साथ रहोगे, उनके साथ गप्पों में लगे रहोगे, तो उनमें और आप में क्या फ़र्क रह जाएगा? वो भी आपको अपनी तरह एक आम इंसान समझेंगे जो आपको उन्हें हरगिज़ नहीं करने देना। अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको अपने व्हाट्सएप, अपने सोशल मीडिया, हर उस चीज़ से जिससे लोगों पर यह असर पड़े कि ये इंसान भी एक लूज़र है, उससे दूर जाना होगा और अपने बचाए गए वक्त को ऐसे कामों पर लगाना होगा जिनसे आपकी सोच बदले, जिनसे आपका एटीट्यूड बदले। जैसे कि ऐसी बुक्स पढ़ना जिनका मकसद सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो। लोगों से अलग बनने के लिए आपको अलग सोचना पड़ेगा और अपने वक्त को कीमती बनाना होगा। अब हम बात करते हैं हमारे आज के लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ की, और ये लॉ कहता है डिस्पाइस द फ्री लंच। इंसान को ज़िंदगी में जो कुछ भी मुफ्त में दिया जाता है वो हकीकतन बिल्कुल मुफ्त नहीं होता, बल्कि उस चीज़ की कीमत आपको उसकी खरीदी गई कीमत से कहीं ज़्यादा अदा करनी पड़ती है। इसके पीछे या तो देने वाले का कोई ना कोई मकसद छुपा होता है, या फिर कोई साजिश, या फिर वो ये साबित करना चाहता है कि वो आपसे बेहतर है, या वो आपको नीचा दिखाना चाहता है। इसलिए बेहतर है कि या तो आप चीज़ लेने से इनकार कर दो, या फिर उसके बदले में उससे ज़्यादा कीमती चीज़ उसको दो। मिसाल के तौर पर अगर कोई दोस्त आपको कोई चीज़ तोहफे में दे और एक दिन ऐसा आए कि आप दोनों की लड़ाई हो जाए, तो वो दोस्त दूसरों को यही कहेगा कि मैंने उसे फलां कीमती तोहफा दिया था। और जब उन दोस्तों में से कोई आपसे मिलेगा तो यही कहेगा कि ये तो वही तोहफा है जो उसने तुम्हें दिया था। उस वक्त आपकी वैल्यू उन तमाम लोगों में रत्ती बराबर भी नहीं बचेगी, और उस वक्त आप यही बोलोगे कि काश मैंने ये ना दिया होता। इसलिए जितना हो सकता है मुफ्त की चीज़ों से बचो, और अगर किसी से कोई गिफ्ट लेते भी हो तो फिर उन्हें उस गिफ्ट से ज़्यादा कीमती गिफ्ट दो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना,
जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो।